लास्ट एपिसोड में हम समझे थे कि कैसे यूरोपियंस पहली बार इंडिया पर आए थे और कौन सी वजह यूरोपियन को इंडिया की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस एपिसोड में हम पहले जानने वाले हैं उन जरूरी पुर्तगीज पर्सनालिटीज के बारे में जो इंडिया में आए थे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगीज वो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडिया तक आने वाले सी रूट्स की खोज की। उनको इंडिया के बारे में सबसे पहली बार तब पता चला जब भास्को दा गामा 1498 में कलिकट की मालाबार कोस्ट में पहुंचे। उन्हें रिसीव करने के लिए वहां मौजूद थे वहां के लोकल रूलर जमोरिन, जिन्होंने उन्हें इंडिया में ट्रेड लिंक्स को एस्टेब्लिश करने के भी परमिशन दिया। जमोरिन को तब यूरोपियंस के इरादे के बारे में जरा सा भी आशंका नहीं थी, पर वही दूसरी तरफ अरब ट्रेडर्स जो ऑलरेडी मालाबार कोस्ट पर अपना अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था, वो पुर्तगीज को आते देख बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। वास्को दा गामा इंडिया में 3 महीने के लिए रुके और अच्छे खासे सामान और कीमती चीजों के साथ वापस यूरोप लौटे और वहां पहुंचकर सारी सामानों को अपने सफर की पूरी खर्चे से 60 गुना ज्यादा मुनाफा से बेचा। और इसको देखकर कई सारे मर्चेंट्स चाहने लगे इंडिया आना और डायरेक्ट ट्रेड लिंक बनाना। वास्को दा गामा की बाद इंडिया के सफर में निकले पेद्रो अल्वारेस कब्राल, जिन्होंने ब्राजील की भी खोज की थी। कुछ महीनों की नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने कलिकट में एक फैक्ट्री सेटअप की इन 1500। पुर्तगीज का बढ़ता हुआ बिजनेस देख अरब को अपना बिजनेस खतरे पे नजर आया और इसीलिए एक दिन अंधेरे में कुछ पुर्तगीज शिप्स पर हमला कर दिया। इसका नतीजे में 500 पुर्तगीज मैन मारे गए और बहुतों को चोट आई। कब्राल ने जमोरिन से इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा, पर जब जमोरिन की तरफ से कुछ नहीं किया गया, पुर्तगीज ने 10 अरब मर्चेंट शिप्स में आग लगा दी और इसके बाद कलिकट की पूरी शहर को एक दिन के लिए बॉम्बार्ड कर दिया गया। कुछ दिनों बाद कब्राल पुर्तगीज लौट गए। 1502 में वास्को दा गामा एक बार फिर से इंडिया वापस आए। इस बार वास्को दा गामा पुर्तगीज किंग के ऑर्डर के साथ आया, जिसमें उन्हें बोला गया था इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फोर्ट बनाने के लिए, ताकि पुर्तगीज अपने बिजनेस को इंडिया में परमानेंटली सेटल कर पाए। पुर्तगीज स्टेट को और भी बढ़ाने के लिए उन्होंने जमोरिन को रिक्वेस्ट किया सभी मुस्लिम ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को कलिकट से हटा देने के लिए, पर जमोरिन ने यह करने से साफ मना कर दिया। 1505 में पुर्तगाल के किंग मैनुएल वन ने फ्रांसिस्को दी अल्माइदा को अपॉइंट किया एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया। क्योंकि वास्को दा गामा जमोरिन को कॉन्विंस करने के लिए नाकाम हो गए थे, किंग मैनुएल वन ये काम अल्माइदा को सौंपा। अल्माइदा को रिक्वेस्ट किया गया था कि वो इंडिया में 4 फोर्ट्स बनाए, कोचिन, कन्नौर, अंजेदीवा आइलैंड एंड कोल्लम, और आदेन, ओर्मुज और मलक्का को सीज कर दिया जाए, ताकि पुर्तगीज बिजनेस नई ऊंचाई छोए। इन कामों को पूरा करने के लिए अल्माइदा पुर्तगाल से 42 शिप्स और 1500 पुर्तगीज के साथ रवाना हुए। अल्माइदा की पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी से जाना जाता था, जो समुंदर में ज्यादा पावरफुल होने में इंपॉर्टेंस देती है कंपेयर टू बिल्डिंग फोर्ट्रेसेस ऑन इंडियन लैंड। लेकिन अल्माइदा को जमोरिन और इजिप्ट के सुल्तान की विरोध का सामना करना पड़ा। एनकरेज बाई द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस, जिनकी लुक्रेटिव बिजनेस पुर्तगीज इंटरफियरेंस के कारण अब खतरे में था, इजिप्टियन ने पुर्तगीज को रोकने के लिए साजिश शुरू की। 1508 में इस सिचुएशन के कारण इजिप्टियंस ने गुजरात के साथ मिलकर पुर्तगीज पर हमला किया और इसको ही बैटल ऑफ चौल से जाना जाता है। इस बैटल में पुर्तगीज हार गए और अल्माइदा की सॉन लॉस्ट हिज लाइफ। इन द मीन टाइम पुर्तगीज किंग के आदेश से 1508 में और एक पुर्तगीज नाविक अल्फोंजो दी अब्लिकर इंडिया पहुंचे अल्माइदा को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन अल्माइदा अपनी बेटे की मौत के बदला लेना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अल्फोंजो को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसे अरेस्ट भी कर लिया। 1509 की बैटल ऑफ दीव में अल्माइदा ने सुल्तानेट ऑफ इजिप्ट, ऑटोमन एम्पायर, जमोरिन ऑफ कलिकट और गुजरात के सुल्तान पर एक शानदार जीत हासिल की और इसके कारण नेक्स्ट 100 ईयर्स तक पुर्तगीज ने अपनी ट्रेड मोनोपोली को मेंटेन कर सका अंटिल 17th सेंचुरी, जब डच एंड इंग्लिश ने इसे खत्म किया।
अल्फोंजो को 3 महीने बाद छोड़ दिया गया। 3 महीने की कॉन्फाइनमेंट के बाद अल्फोंजो बिकेम द सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। अल्फोंजो को माना जाता है एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। उन्होंने इंडियन ओशन की हर एक एंट्रेंस पर बेसिस को एस्टेब्लिश किया और स्ट्रेटेजिकली इंडियन ओशन को कंट्रोल किया। अपार्ट फ्रॉम इंडिया उसने ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, मालाबार और मलक्का में भी अपनी स्ट्रांग होल्ड बना ली थी। उन्होंने दूसरी शिप्स के लिए परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 1510 में अल्फोंजो सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा हासिल की, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की बाद पहली इंडियन टेरिटरी था जो यूरोपियंस के कब्जे में आई। इसके बाद अल्फोंजो पूरी तरह से गोवा की एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में लग जाता है। गोवा में पोर्तुगीज लोगों को परमानेंटली सेटल करने के लिए अल्फोंजो ने पोर्तुगीज लोगों को लोकल महिला से शादी करने के लिए इनकरेज किया। ये हासिल करने के लिए पोर्तुगीज किंग ने उन लोगों को क्राउन टैक्सेस से एग्जेम्पशन देकर फ्रीमैन स्टेटस दे दिया, जो इंडिया आकर गोवा की लोकल महिला से शादी करते हैं। अल्फोंजो ने सती प्रथा को बैन करने के अलावा कोई भी लोकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में इंटरफियर नहीं किया। उसके साथ साथ उन्होंने गोवा में नई सड़कों के निर्माण की, टोबाको और कैजियो नट्स की जैसे नई क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अल्फोंजो ने इंडिया की पहली प्रिंटिंग प्रेस की निर्माण भी की। विजयनगर डायनेस्टी की कृष्णदेवराय के साथ उन्होंने अच्छी रिलेशन भी मेंटेन की थी। 1529 में नीनो द कुन्हा पोर्तुगीज गवर्नर बना और पोर्तुगीज हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा में शिफ्ट कर दिया। नीनो द कुन्हा की टाइम पे जब गुजरात की रूलर बहादुर शाह के साथ मुगल एम्परर हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहादुर शाह ने पोर्तुगीज से मदद मांगी और उसके बदले में उन्होंने पोर्तुगीज को बेसिन आइलैंड हैंडओवर किया। लेकिन 1537 में गुजरात से हुमायूं चले जाने के बाद बहादुर शाह और पोर्तुगीज की रिलेशन खराब हो गई। इसी टाइम पे पोर्तुगीज ने बहादुर शाह को एक शिप पे बुलाया और चालाकी से मार दिया। इंडिया तक पहुंचने का डायरेक्ट रूट मिलने के बाद पोप निकोलस 5 ने एक फरमान इशू किया, जिसके तहत पुर्तगाल को मोनोपोली मिलता है इंडिया के लोगों में क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने की। इसीलिए पुर्तगीज क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और मुस्लिम को पर्सिक्यूट करना शुरू करते हैं। शुरू में पुर्तगीज हिंदुओं के प्रति टॉलरेंट थे, लेकिन बाद में हिंदुओं को भी सताने लगा। लेकिन इस इनटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद अकबर के दरबार में एक अच्छा प्रभाव बनाकर जेसुइट्स ने अकबर को क्रिश्चियनिटी में बदलने की कोशिश की। लेकिन ना केवल वो ऐसा करने में असफल रहे, बल्कि उनकी एरोगेंट एक्शंस ने मुगल बादशाह और पोर्तुगीज के बीच दरार पैदा कर दी। यहाँ पे पोर्तुगीजों को लेके एक इनफेमस वर्ड यूज किया जाता है, जिसको गोवा इंक्विजिशन से जाना जाता है। काफी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होने के बाद भी ये अक्सर फॉरगॉटन एंड अनस्पोकन घटना है, जिसके कारण हजारों हिंदू मजबूर हुए थे गोवा छोड़ने के लिए। अगर आप गोवा इंक्विजिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। पोर्तुगीज की ह्यूज प्रॉफिट को देखने के बाद इंग्लिश ट्रेडर्स भी इस प्रॉफिटेबल ट्रेड की हिस्सा चाहते थे। इसकी वजह से 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और इंडिया में ट्रेड परमिशन की मांग की। लेकिन पोर्तुगीज, जिनके पास ऑलरेडी मुगल्स का फेवर था, डिड नॉट लाइक द इंग्लिश इंटरफेरेंस और इसके लिए उन्होंने कोशिश किया ये ट्रेड परमिशन रिजेक्ट कराने के लिए। नाकाम होके हॉकिंस इंग्लैंड खाली हाथ लौट गए। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 8 बार इंडिया आए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। फिर 1612 में आया कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन बेस्ट मुगल से ट्रेड की परमिशन और सूरत में एक फैक्ट्री निर्माण की अनुमति मांगा। उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर मुगल माना कर देता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया छोड़ देंगे, क्योंकि किंग्स जेम 1 ने इस शर्त पे कंपनी की चार्टर को 1609 में एक्सटेंड किया कि अगर कंपनी 3 सालों के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं करता है तो ये चार्टर को परमानेंटली कैंसिल किया जाएगा। लेकिन नवंबर 1612 में स्वाली के पास पोर्तुगीज और इंग्लिश के नेवीज के बीच एक लड़ाई हुई, जिसी को बैटल ऑफ स्वाली होल से जाना जाता है। इंग्लिश ने जी जान से फाइट की पोर्तुगीज के साथ और ये घटना ने जहांगीर को भारी मात्रा पे इम्प्रेस किया, क्योंकि पोर्तुगीज की पायरेसी एक्ट ने एम्परर को ऑलरेडी परेशान करके रखा था। मुगल्स ने इसके बाद इंग्लिश ट्रेडर्स को ज्यादा फेवर करना शुरू किया। शाहजहां के समय आते आते पोर्तुगीज अपनी सारी एडवांटेज खो बैठे।
16 सेंचुरी में पोर्तुगीज ने कलकत्ता की करीब हुगली में एक ट्रेडिंग सेंटर खोला। हुगली में पोर्तुगीज सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि साथ ही मासूम हिंदू और मुस्लिम बच्चों की स्लेव ट्रेडिंग शुरू किया। इसी बीच पोर्तुगीज ने मुमताज महल की दो स्लेव गर्ल को कब्जा कर लिया और ये जानने के तुरंत बाद शाहजहां ने बंगाल गवर्नर कासिम खान को ऑर्डर दिया हुगली सीज करने के लिए। हुगली सीज होते देख पोर्तुगीज वहां से भाग गए। 18 सेंचुरी तक आते आते पोर्तुगीज ने इंडिया में अपना कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस पूरी तरह से गवा बैठे। इंटरेस्टिंगली इंडिया में आने वाले पहला यूरोपियन पोर्तुगीज थे और सबसे बाद जाने वाला भी। 1961 में इंडिया ऑपरेशन विजय की मदद से पोर्तुगीजों से गोवा, दमन, दीव एंड अंजदीवा आइलैंड को हासिल किया। रिलीजियस पर्सिक्यूशन और क्रुएल्टी की मेमोरी पोर्तुगीज द्वारा की गई कंट्रीब्यूशन से ध्यान हटा देती है, लेकिन ये सच है कि पोर्तुगीज ने कई स्कल्पचर और आइबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में स्थापित किया। पोर्तुगीज के कारण गोवा में सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ की आर्ट फ्लरिश हुए। इनफैक्ट इंडिया में पोर्तुगीजों को जितना श्रेय दिया जाता है इंडियन हिस्ट्री में पोर्तुगीज उनसे कई ज्यादा मायने रखता है। आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। इन द नेक्स्ट एपिसोड हम जानने वाले हैं एंट्री ऑफ डच एंड इंग्लिश इन इंडिया। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स।